हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सिर्फ बात करूँगी, ब्लॉगिंग वगैरह नहीं है, ना ही कोई रिव्यू है। कुछ एक टॉपिक, कुछ इंसिडेंट हुआ है मेरे शहर में, तो मैंने सोचा उस बारे में आपसे बात की जाए, बट थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है। बट इवन देन, अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई भी टाइम कभी कम नहीं होता है। मीन्स कोई ऐसा नहीं है कि उसी समय अगर मैं शेयर करती तभी आप लोगों को मैं अवेयर करा पाती। थोड़ा सा मेरा कैमरा, हाँ। सो जो लोग आगरा वाले हैं उन्हें मुझे उम्मीद है वो ये चीज़ पता होगी, एंड जो आगरा वाले नहीं हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बीइंग अ यूट्यूबर एंड मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स जितने भी 500, 1000, 800 जितने भी देखते हैं, मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ। एक बहुत ही दर्द भरा इंसिडेंट हुआ है मेरे क्या बोल सकते हैं, मेरी सिटी में, मेरे घर के पास में। मीन्स आप मेरे घर के पास क्या, वो कॉलोनी जयपुर हाउस है, और वहाँ का एक इंसिडेंट है। एग्जैक्ट मुझे एड्रेस वगैरह याद नहीं है, बट वो न्यूज़ ये है कि एक मदर एंड उनकी दो बेटियाँ तीनों एक साथ ही एक्सपायर हो गए। आई नो आप लोगों को शायद लगेगा यार हर रोज़ कितने लोग पैदा होते हैं, कितने लोग एक्सपायर होते हैं। आई नो वो एक एज फैक्टर के साथ अगर कोई जाता है तो हर कोई इसे एक्सेप्ट कर लेता है, या बट कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर हमारी चूक से हमारे साथ हो जाए तो हमें डर लगता है, एंड किसी और के साथ हो जाता है तो फिर हमें अपने लिए डर लगता है कि अरे अगर इसकी जगह तो हम भी हो सकते थे, हमारे साथ भी हो सकता था। तो जो चला गया उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। आई हैव अ ग्रेट सिंपैथी उनकी फैमिली के लिए। जो भी है मुझे बहुत दुख हुआ, मैं सच में बता रही हूँ। मैं खुद इतना स्ट्रेस में रही हूँ ना उस चीज़ को लेके, मैं इतनी ज़्यादा अफेक्ट हुई हूँ। जितनी बार मैंने न्यूज़पेपर में देखा है, सुना है, ऑब्वियसली सब लोग आसपास के लोग उधर जानते भी थे, तो उनकी रेफरेंस से जो भी मुझे पता चला, मैं बहुत अफेक्ट हुई हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली वो इंसिडेंट क्या हुआ है। इट वॉज़ लाइक कि एक मदर और उनकी दो बेटियां, एक 4 साल की थी और एक 6 या 7 साल की थी। एंड मदर भी मीन्स जो बेसिक मदर की एज होती है वो थी। उनकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मैं ऊपर ब्लिंक कर दूंगी या थंबनेल में लगा दूंगी। मैं इस तरीके के टॉपिक पे मीन्स किसी की डेथ को अपना यूट्यूब में कोई कमाने के ज़रिए से नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी ऑनेस्टली बता रही हूँ। लेकिन वो जो जिस कारण उनके साथ हुआ, मैं वो कारण आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके साथ जो हो गया वो एक बहुत बहुत बड़ा लेसन है हम सबके लिए। न्यूज़ ये थी कि उनको बार बार फ़ोन किया जा रहा था। मीन्स हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और उनके इन-लॉज भी कहीं चले गए थे, तो वो अपनी बच्चियों के साथ अकेली थी। काफ़ी टाइम तक वो दिखी, उनके यहाँ सीसीटीवी लगा था। वो बहुत ही रिच एंड रिनाउंस फैमिली से बिलोंग करते थे, बट उनका फ़ोन नहीं उठा था। फिर उनके हस्बैंड जब घर आया एंड जो सीन उन्होंने देखा, मीन्स मदर डॉटर दोनों ही डॉटर बाथरूम में मरी मिली उनको। कोई रीज़न नहीं मिला किसी को कि ये क्या हुआ। फिर बहुत मुश्किल से बाद में समझ में आया, थोड़ा स्टार्टिंग से सबको समझ में आ गया था, बट इन दी एंड जब समझ में आया ना, तो इट वॉज सो शॉकिंग। मीन्स सब कुछ हेल्दी था, कुछ ऐसा इशू नहीं था। उन्होंने अपना खाना खाया, वो नहाने गई थी, आई थिंक उनकी मदर नहाने गई थी और बच्चे वहीं पर थे। एक्चुअल उस रात, उस दिन क्या हुआ, ये दोपहर की बात है, क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी बेसिस पे अंदाज लगा गया है कि क्या इंसिडेंट था। तो उनके घर में गैस वाला गीज़र लगा था। जी हाँ, इस डेथ का कारण था गैस वाला गीज़र। उनके बाथरूम में गैस वाला गीज़र था, वो नहाने गई हुई थी, उसके बाद वो गीज़र बस्ट हुआ, उसमें से गैस लीक हुई। एक्चुअल किसी को नहीं पता है, लेकिन जब आए वो लोग घर पे तो उन्होंने देखा गैस का पूरा सिलेंडर खाली है, पानी की पूरी टंकी खाली है। मीन्स पानी फैलता गया और गैस ख़त्म होती गई। इस गैस की वजह से उनको सफोकेशन हुआ एंड वो एट दी स्पॉट उन तीनों लोगों की डेथ हो गई। मीन्स उनको मौका भी नहीं मिला किसी को फ़ोन करने का, कोई किसी को बचा सके, कुछ। मतलब आप सोच सकते हो, आप नहाने गए हो और आप नहाने के बाद बाथरूम से ना निकलो। कोई सोच सकता है कि नहाते समय या तो हार्ट अटैक जैसी चीज़ भी इंसान समझ लेता है, लेकिन गैस के गीजर से नहाने की वजह से, गर्म पानी से नहाए और ये हादसा हो गया। इन सब लोग इतना शॉक में है ना इस इंसिडेंट के बाद, इतना डर बैठ गया है। जिनके घर में भी गैस का गीज़र है उन्हें ये डर लग गया है। तो चूक जहाँ भी हुई है यही हुई है कि वो गैस का गीज़र यूज़ करते टाइम, आप बाथरूम उन्होंने बंद किया होगा, हम लोग नहीं यूज़ करते, मुझे पर्सनली ये चीज़ नहीं पता है, बट हाँ मेरे मामा के यहाँ है एंड मेरी सिस्टर के साथ एक आध बार हो चुका है। तो इतनी मुझे अवेयरनेस थी कि गैस के गीज़र को साथ के साथ नहीं नहाना चाहिए, बस इतना मुझे पता है। बट एग्जॉस्ट वगैरह भी होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने गैस का गीज़र से नहा रहे हो और बाथरूम बंद है। नॉर्मली पूरी दुनिया ऐसे ही नहाती है, बट गैस के गीज़र के साथ ये कॉम्प्लिकेशन रहती है।
इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं आप सब लोगों को ये बता सकूँ कि फ्रेंड्स, अगर आपके भी घर में गैस का गीज़र है तो प्लीज़ उसको यूज़ बहुत केयरफुली कीजिए। ये बहुत बहुत बड़ा इंसिडेंट है। 3.5-4 साल की वो बच्ची, उसका अभी एडमिशन हुआ था आगरा के एक रिनाउंड स्कूल में, एंड नाउ शी इज़ नो मोर। उस कि 3 या 4 दिन बाद उस बच्ची का बर्थडे था, एंड उसके दादा दादी से उसने गिफ्ट्स मांगे थे, वो गिफ्ट्स भी ले आए थे, उसके स्कूल में जो डिस्ट्रीब्यूट होना था वो सब की तैयारी भी हो गई थी। एंड इस तरह की जो मिसहैपनिंग हुई है ना, उसके बाद मैंने फेसबुक पे अखबार में फ़ोटोज़ देखे जिस स्कूल में उनकी बच्ची मतलब एज अ प्ले ग्रुप में पढ़ रही थी, वो फादर और उनके दादा जाके वहाँ उन बच्चों को गिफ्ट्स देके आए, सब लोगों ने उस बच्ची के बिहाफ पे वहाँ पे केक कटिंग की, एंड वो जो फोटोग्राफ्स थे ना, मैं सच बता रही हूँ मेरा दिल रोया है वो देख के। मेरा खुद का बेटा है 3 साल का, एंड ऐसा सोच के भी डर लग जाता है। बहुत बहुत दुखदाई था, बहुत दुखदाई। एंड उस पार्टनर के लिए सोचिए, उनकी बीवी, उनके दोनों बच्चे चले गए, उनकी पूरी ज़िंदगी उजड़ गई। मीन्स वो बेसुध थे, जो भी लोग उनको जानने वाले या मुझे अखबार से जितना भी पता चला, मीन्स वो आदमी इतना दुखी है ना, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो बस ये वीडियो एक अवेयरनेस के लिए मैं बना रही हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स, गैस का गीज़र अगर आप यूज़ करते हैं तो कॉन्शियस रहिए, बाथरूम से निकाल के उसे बाहर आंगन में लगवा के। अगर आपके बाथरूम में वेंटिलेशन नहीं है तो आप गैस का गीज़र मत यूज़ कीजिए। अगर यूज़ कर रहे हैं तो बाथरूम खोल के यूज़ कीजिए। मीन्स बस ध्यान रखिए। आई जस्ट वॉन्ट कि ऐसा हादसा फिर कभी किसी के साथ ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपके जानने वालों में किसी के साथ छोटा मोटा कभी कुछ हुआ हो तो प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।